गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैरी क्रिसमस। आज हम पढ़ेंगे कि क्रिसमस दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्यौहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। यीशु की माँ का नाम मरियम था। बेथलेहम में जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, वहाँ कुछ चरवाहे खेत में भेड़े चरा रहे थे। उसी समय एक विचित्र प्रकाश के साथ एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे नगर में एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा हुआ गौशाला में पड़ा हुआ है। यह कहकर देवदूत गायब हो गया। चरवाहे यह सुनकर उस बालक को देखने गए, उसे प्रणाम किया। उस बालक का नाम यीशु रखा। यीशु के जन्मदिन का लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यीशु के जन्म के समय एक चमकता हुआ तारा भी दिखाई दिया। इस तारे की याद में लोग अपने अपने घरों तथा गिरजाघरों को चमकीले तारों से सजाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं, इस दिन बच्चे सेंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि उनके सो जाने पर सेंटा क्लॉज उनके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स और उपहार लेकर आएगा। इस तरह सारे दिन वो सेंटा क्लॉज का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपने एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार भी देते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री का बहुत अधिक महत्व होता है। इस क्रिसमस ट्री को विभिन्न प्रकार के लाइट से डेकोरेट किया जाता है। पूरे गिरजाघरों को और घरों को लोग अच्छी तरीके से सजाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार विश्व भर के लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। यीशु का संदेश था कि गरीब, बीमार और सताए हुए लोगों से उसी तरह प्यार करो जितना कि तुम अपने परिवार के सदस्यों से करते हो। अपनी सोच अच्छी रखो और ईश्वर से प्यार करो। इस तरह यीशु ने अपना संदेश दिया था। धन्यवाद।